आज के व्लॉग में देखिए। आजकल क्या है, ओटीपी मेरा कजिन कॉल करके मेरे को मांगे ना ओटीपी, मैं उसको भी नहीं दूंगा। मेरे अकाउंट से पैसे कटे, कौन जवाबदारी लेगा? बर्ड है वो वापस से सर्विस सेंटर में देने आया, क्योंकि पहली बार में ही ढंग का काम नहीं हुआ था। मेरे टेडी बियर की हार्ट रेट दिखा रहा है इसमें। शुरू करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, और शायद आज के व्लॉग अगर आप एंड तक देखें तो आपका 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा बच सकता है। जो भी चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है एक स्मॉल टाउन के अंदर, ठीक है। और इनका सर्विस कैसा है, देखो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो स्मॉल टाउन वाले ही ज़्यादा खरीदने वाले हैं। बात कर रहा हूँ बोट कंपनी की, जो फेमस है अपने ये जो एयरबर्ड्स है वो बनाने के लिए, वॉचेस बनाने के लिए, ऑल्सो इनके और भी स्पीकर्स और 50 प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानता, पर मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया है उनका, एक्चुअली दो प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो मैं उनके बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी से आप जजमेंट कीजिएगा कि ये सही था या कौन गलत था। हम यूज़ कर रहे थे बोट्स के एयरबर्ड्स के अंदर। सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुआ प्रॉब्लम का, वो ये हुआ कि जब आप मैं वॉक करने जाता हूँ या कुछ भी करने जाता हूँ तो मैं कान में उनको लगा के चलने जाता हूँ, तो जब भी हम लगा रहे तो कंटिन्यूसली एक जो उसका एयरबर्ड है उसमें से टुक टुक की आवाज़ आ रही थी, बैटरी चली जा रही थी एंड ऑल्सो डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा था अपने आप से, ठीक है। तो हमने कहा चलो मेजर प्रॉब्लम, ऑल्सो इसमें एक प्रॉब्लम तो है ही कि मेरी पॉकेट और मेरे कान में जो एयरपोर्ट लगे हैं, तो मेरा मोबाइल है वो मेरे पॉकेट में है, फिर भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम तो रहता ही था। देन हमने क्या किया, एक टाइम के बाद उसमें से एक जो एयरबर्ड था वो चार्ज होना ही बंद हो गया था, क्योंकि उसके नीचे जो एक कॉपर का जो अटैचमेंट आता है जिससे वो चार्ज होता है वहाँ पर, वो आई थिंक निकल चुका था। तो फिर हमने क्या किया, जब गए सर्विस सेंटर, गए सर्विस सेंटर वालों को दिया, तो सर्विस सेंटर में उन्होंने क्या किया, सीधा वो प्रोडक्ट रख ही लिया और एक मेरे को बोला कि बस जो बिल है आपका उसकी जेरोक्स दे दो और उस पर मेरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब लिख लिया, ठीक है। और मुझे बोला कि आप घर जाइए, आपको एक OTP आएगा, आप OTP दे दीजिएगा एंड ब्ला ब्ला। तो उस टाइम पे मेरे को तो थोड़ा वो था कि झिझक थी कि मैं OTP नहीं देना चाहता, बट मैंने सोचा कि चलो यार अभी ये लोग अगर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉपरली तो हम दे देंगे OTP, दिल पे पत्थर रख के। या डर तो लग ही रहा था क्योंकि आजकल OTP स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे। फिर हम घर पहुँचे, OTP दो दिन तक तो कुछ आया नहीं, फिर तीसरे दिन उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि आप एक अगर आपको फ़ोन पे OTP नहीं देना तो आप यहाँ आके OTP दे दो ये वो। फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बोला कि हाँ चलो आपका प्रोडक्ट हो गया है, ठीक 3 दिन बाद की बात है ये। और मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग था मेरा जिसमें ऑलरेडी बोला था कि मैं बोट की एयरपोर्ट्स है वो सॉरी एयरबर्ड्स है वो सर्विस में देने आया उन्हें। फिर हमने वहाँ पर वो दे दिया, वापस आ गए, हम सब डन हो गया, नया वाला प्रोडक्ट लेके आ गए जो उन्होंने मतलब ठीक कर दिया, नया प्रोडक्ट तो नहीं ठीक कर दिया, और हम लेके आ गए घर पे। सो फाइनली हमारा बोट का ये आ गया है डब्बा, और ये उनका सर्विस सेंटर है। ओवरऑल बोलूँ तो ठीक ठाक सर्विस है, पर थोड़ा पेपर वर्क का लफड़ा है, जैसे कि OTP मांगते हैं ये सब, कोई रिसीट नहीं दी थी या कुछ नहीं दिया था, ठीक है। और जो मैंने जेरोक्स दी थी वो तक मेरे को रिफंड कर दी, रिटर्न कर दी मतलब। सो वही बोट का ऐसे तो ठीक लगा मेरे को, 3 दिन में दे दिया, मतलब एक संडे गिन लो तो मतलब 2 दिन में दे दिया, बट और अच्छा सर्विस हो सकता था मतलब। और रिसीट विसीट देनी चाहिए मैसेज वैसे जाने की, और सबसे पहली बुरी चीज़ है कि OTP वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। सेम प्रॉब्लम फिर भी कंटिन्यू था, तो हम दोबारा गए उनको जाके दिया, और पर इस बार मैंने सोचा कि नहीं भाई इस बार मैं इनको जाके डायरेक्टली दूंगा नहीं, मैं वहाँ पर से जो रिसीट आती है कि भाई हाँ आपने यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिया है, जो टोकन रेज करते हैं, जो भी एप्लीकेशन मतलब पर्ची आती है वो पर्ची लेके आएंगे, इन शॉर्ट शुद्ध भाषा में मैं समझाऊँ तो पर्ची लेके आएंगे। पर इन्होंने क्या किया, वहाँ जाके मेरे को बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर ड्रॉप कर दो, मैं रिप्लेसमेंट में डाल देता हूँ एंड आपको पर्ची, आपको OTP आएगा, आप मेरे को एक OTP दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, मैं फ़ोन पे OTP नहीं देने में कंफर्टेबल हूँ, आप एक काम करो यहीं पर जो आपको टिकट रेज करनी है जो भी करना है यहीं पर प्रोसेस करो, मैं बैठता हूँ, आप मेरे को OTP दो। तो बोलता है नहीं नहीं इसमें 10 मिनट लग सकता है, इसमें 20 मिनट लग सकता है, इसमें 1 घंटा लग सकता है, ऐसा वगैरह।
सो यार वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आपके सर्वर की प्रॉब्लम है या जो भी है, वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, आपके बोट के सर्विस सेंटर का प्रॉब्लम है। एंड दैट गाय इज वेरी 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 रूड जो वहां पर सर्विस कर रहा था। ठीक है चलो यार वो बोट की गलती नहीं है, चलो बोट ने उसको सर्विस दिया वो रूड है तो वो बोट की हम गलती नहीं गिनते, बट वाई आप किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को क्यों सर्विस दे रहे हो, प्रोवाइड करने दे रहे हो जो इतना रूड है आपके कस्टमर से? आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। ठीक है हम ये हमारा बोट का जो एयरबर्ड है वो वापस से सर्विस सेंटर में देने आए क्योंकि पहली बार में ही ढंग का काम नहीं हुआ था, इसलिए आपके हिसाब से काम नहीं होता सर, घंटा किस चीज में 10 मिनट लगती 10 मिनट हाँ तो वेट कर रहे हैं ना, 15-20 मिनट है ना, तो ऑलरेडी 5 मिनट 10 मिनट तो हो गई है, जल्दी कीजिए ना। बोला 1 घंटा भी लगता है 10 मिनट लगता है। 1 घंटा कैसे लग सकता है सर? आपको इट्स नॉट अ सिंपल लॉजिक, इट्स जस्ट द थिंग दैट यू डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। कर दीजिए ना वो पहले आपने किया, मैंने मना किया, वो पहले मैंने मना किया किसी को, मैं सर्विस के लिए बैठा हूँ, मैंने किसी को मना नहीं किया, मैं काम करने की तरफ बैठा हूँ, मैं क्यों मना करूँगा? आपको तकलीफ देकर मुझे क्या फायदा? आपका ये AI बोल रहा है, AI के सिवा इसमें कस्टमर नंबर नहीं है। मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको तकलीफ देकर मुझे क्या फायदा है सर? फायदे का मेरे को फायदा नुकसान नहीं पता है सर, आपको थर्मली चेक करके ही देना चाहिए था ना पहला, तो 4 बार यहाँ पर तो 3री बार आया हूँ मैं। सर द थिंग इज ना, मैं कॉल पे सर आपको क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता है, बट द वे यू आर टॉकिंग एंड द वे यू आर सेइंग द थिंग्स इज नॉट वैलिड। मैं किसी भी सर्विस सेंटर में जाऊंगा एक रिसीट तो मेरे को मिलेगी कि भाई यहाँ पर ये प्रोडक्ट ड्रॉप किया गया है, सिंपल बात है। कोई केयर में सर मैं 500 केयर में जा चुका हूँ, कभी कभी ऐसा वेटिंग नहीं होता है, हमारा टिकट आता है तो हमारे काम हो जाता है उसी टाइम पे। आप टिकट रेज करके दे दीजिए मेरे को, सिंपल बात है। भाई साहब बोट का सर्विस तो बहुत बेकार है, इवन द कस्टमर केयर में जहां पर हम कॉल कर रहे हैं वहां पर भी AI उनका बोल रहा है, कोई भी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात भी नहीं करने दे रहा। एंड द थिंग इज आप कहीं पर जाते हो तो आपको टिकट रेज करके दे दिया जाता है जब आप अपना प्रोडक्ट देते हो, तो ये बोल रहे हैं कि आप घर जाओ हम आपको OTP भेजेंगे, आप हमको OTP दो तब जाके टिकट रेज होगा, मतलब उसमें 15 मिनट भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, लाइक 1 घंटा भी लग सकता है, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? और ये मैं 3री बार यहाँ पर आ रहा हूँ, एक बार देने आया लेने आया एंड नाउ अगेन वापस देने आया। बिकॉज सर आजकल क्या है OTP, मेरा कजिन कॉल करके मेरे को मांगे ना OTP, मैं उसको भी नहीं दूंगा, मेरा वही प्रॉब्लम है। और ये वाला कौन सा तरीका है कि भाई आप प्रोडक्ट यहाँ छोड़ के जाओ OTP आपको घर पे आएगा? आपको नहीं पता कि OTP के ऊपर कितने स्कैम हो रहे हैं? वहाँ पर कोई बंदा बैठा है उसने बात सुन ली, उसने जाके ये सब OTP स्कैम कर दिया मेरे साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा? आजकल नंबर लीक होने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, तो वही चीज़ें हमने उनको बताई जैसा कि आप क्लिप में देख सकते हो। ठीक है फिर क्या हुआ, मैंने उनसे झगड़ा किया कि भाई देखो मैं कस्टमर वे वो वगैरह, तो 10 मिनट में उनसे 10 मिनट भी नहीं लगा, 10 मिनट भी नहीं लगा और उन्होंने मेरे को टिकट रेज करके दे दिया और बोला कि ये लीजिए पर्ची आप लेके जाइए, और मैं घर आ गया। ठीक है बात खत्म हो गई।
फिर सात एग्जैक्टली सेवन डेज के बाद मुझे बोट का जो मेरा एयरबर्ड था उसका रिप्लेसमेंट आ गया, नया मतलब आ गया, और अब वो नया है पुराना है मुझे नहीं पता, बट इन शॉर्ट नया बॉक्स में आया वो। मैंने उसको अनबॉक्सिंग किया, देखा, चेक किया। इस जो हमने बोट का बोट के जो एयरफोन हमने जो दिए थे सर्विस में वो वापस आ गए हैं रिप्लेस होके। अब आज पैकेज आया है तो अब खोल के देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने इसको मैंने नहीं, मेरी बीवी ने एक बार खोल लिया है तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैंने नहीं देखा था, बट या तो ये कुछ इस तरीके से आया है। इसके ऊपर वो जो कवर होता है वो उन्होंने नहीं भेजा है, बस अंदर का ही सामान भेजा है लगता है, बट आई गेस नए तो आ गए हैं पूरी तरह से। सो ये रहा बोट के जो अभी, एक चीज़ देखो ये नया है मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी ही इसके ऊपर पहले तो स्क्रैचेस वगैरह रखे हुए बहुत सारे जो कैमरे में ढंग से शायद नहीं दिख रहे। क्या पता इन्होंने पुरानी डब्बी भेज दी हो वापस और अंदर के जो माल है वो नया भेजा हो, ये दोनों शायद नए होंगे। आप लोगों, अब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा पर अगर आप ये देखें ना तो यही इनके कनेक्टर होते हैं जिससे मेनली चार्ज होते हैं, और जो मेरे ख़राब हो गए थे ना वो यही हुआ था। इसमें से एक का ये जो गोल्डिश कॉपर आता है ना वो शायद निकल गया था, ठीक है, तो ये अटैच करता है इसे। और अभी मैंने ये खोला है ना तो आपको मैं ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये अभी भी देखो ये घिसा हुआ है, हल्का सा आपको डॉट दिख रहा है, ये ऑलरेडी घिसा हुआ है। तो ये इन्होंने नया भेजा है या फिर पता नहीं क्या किया है इसके साथ, आई डोंट नो, देखते अब चला के कितने दिन चलते हैं। पर मैं एक बात तो डिसाइडेड है कि आज के बाद बोट का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदने का है मेरे को, ठीक है, भले सस्ता आता है जैसा भी आता है, बट यार फिर वही है फालतू का क्यों लफड़े पालने। इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट हम करके ले लेते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स वर्स्ट। एंड नाउ राइट नाउ हम वही एयरबड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम ज़्यादा एयरबड्स यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ कान की क्वालिटी एंड ऑल दैट। इस जस्ट जब वॉक करने जा रहे हैं तब थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं, अदर देन दैट मैं वो यूज़ ही नहीं करता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बोलता हूँ उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, कान में लगा के चले तो थोड़ा गाने वाने सुन लीजिए। जैसे ही उस डब्बी को हम टच करते हैं वो ऑटोमेटिकली, सिर्फ डब्बी को टच करते हैं, जैसे कि मैंने अपने सो आई एम यूजिंग दिस बैग राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल, और इस बैग में से मैंने वो डब्बी निकाली, वो मेरे फ़ोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं से कॉल आता है सो मुझे, मैं जैसे ही वो कॉल पिक करता हूँ वो कॉल ऑटोमेटिकली वो एयरबर्ड पे कनेक्ट हुआ होता है। मैं सोचता हूँ कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही, बाद में पता चलता है कि भाई वो ऑलरेडी ब्लूटूथ के साथ उसके थ्रू कनेक्ट हो चुका है। मतलब मैं डिसकनेक्ट करूँ फिर भी वो हर बार डब्बी टच करने पे भी लूज़ कनेक्शन है, पता नहीं डब्बी का क्या कनेक्शन है, वो टच हो जाता है। जब मैंने ये बात सर्विस सेंटर पे पहली बार जब बताई थी कि ऐसा डब्बी में होता ही है, मुझे लगा कि प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट ऐसा ही होगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप है ना थोड़ा ज़ोर से डब्बी बंद किया कीजिए। अरे यार कितना ज़ोर से बंद करूँ, उस पर बैठ थोड़ा जा सकता हूँ मैं, हाँ। तो मतलब डब्बी को फिर हम क्या करते हैं, अभी हमारे घर पे है तो अगर कनेक्ट हो जाता है तो हम ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं तो फिर वो डिसकनेक्ट हो जाता है। मतलब यार ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा कि तुम्हारी डब्बी तक ढंग से बंद नहीं हो रही, मतलब क्यों हो रहा है पता है ये? क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट है, ये लोग वहाँ चाइना से एक डील करते हैं जिसमें ये एक्सक्लूसिव डील करते हैं कि भाई ये तुम्हारा चाइना का जो प्रोडक्ट है इस पे हमारे नाम की ब्रांडिंग कर दो और सिर्फ आप हमें ही भेजोगे और इंडिया में कहीं पर ये किसी को नहीं बेचोगे, एक्सक्लूसिव डील बोलते हैं इसको। तो यहाँ लाते हैं, अपना ब्रांडिंग करते हैं, असेंबल करते होंगे या जो भी करते हैं, बॉक्स में पैक करके कस्टमर्स को भेज देते हैं। जो हमारे पास रिप्लेस होके जो प्रोडक्ट आया है उसमें भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, चार्जिंग का भी अभी भी प्रॉब्लम सेम है और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इज़ लाइक वर्स्ट। आप ऐसा बोलोगे थी कि आप बोलोगे कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट है इसलिए वर्स्ट प्रोडक्ट है, तो इनके 5000 रुपये वाले प्रोडक्ट भी कोई खास आते नहीं है। मैंने सब चेक कर लिया, इनके स्पीकर्स चेक कर लिए, स्पीकर्स मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखे, इतने बेकार है कि उसकी बात मत पूछो। मैंने इनके जो ईयरबड्स है वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके एडिटिंग करने का ट्राई किया, कोई एडिटिंग नहीं हो पाता, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस अच्छा हो इसलिए इसका बेस इतना रखा है कि आपको जो जो बोलते हैं ना हम गाने सुनते हैं वो उसमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो क्वालिटी है ना वो तो बहुत ख़राब है। चलो हम उसके बारे में तो बात ही नहीं करें, हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्विस। अगर एक कंपनी है जो क्लेम करती है कि हम इंडियन कंपनी है और हम चाहते हैं कि हम एक इंडियन कंपनी को सपोर्ट करें, हमारे मोदी जी हमको बोलते हैं कि इंडियन ब्रांड्स यूज़ करो, ये हम कैसे यूज़ करें, लाते तो ये सब कुछ चाइना से ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, हाँ। और यहाँ पर आके देशभक्ति का नारा लगा के हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना ये सारे मिलके, तो मुद्दा वो है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई इन सो कॉल्ड इंडियन कंपनीज के ऊपर इतना विश्वास ना करें, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस इतना बेकार है और सच में अब मैं सर्विस सेंटर जाने को भी राजी नहीं हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट घर में पटक दिया है,
क्योंकि मेरे 1000 रुपए गए पानी में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आप लोगों को, मुझे फर्क पड़ता है एक्चुअली, 1000 रुपए पानी में गए हैं, बहुत बड़ी बात है, बट वो कंपनी के साथ बहस करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो कंपनी के पास जाऊंगा वापस 8 दिन के लिए, मेरे एयरपोर्ट चले जाएंगे, 8 दिन के बाद वही कचरा प्रोडक्ट ही घर पे आने वाला है, ठीक है। सो इसकी वजह से हमने वो लेट गो किया, बट जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज, बिकॉज आप लोग हमको फॉलो करते हैं, तो फॉलो करते हो तो आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो उसका बेनिफिट ये था कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, बाकी अब आपको ये प्रोडक्ट खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी चॉइस है। मैं तो सिंपल बोलूँगा, अगर आप खरीदते भी हो तो सर्विस की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, जिस दिन खराब हो उठा के कचरे में डाल दो। अगर आपके पास फालतू का टाइम है तो जाओ सर्विस सेंटर और अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है, वैसा वाला बात है, सिंपल, ठीक है। अगर वो आपको रिप्लेस करके प्रोडक्ट भेजते भी है तो वो भी प्रोडक्ट आपका 10 दिन ही चलने वाला है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। सेम चाइना का प्रोडक्ट जो चीज़ है वही बात है कि भाई चल जाए तो चांद तक है नहीं तो रात तक है। और क्वालिटी वाइज तो मैं आपको सिंपल क्वालिटी का डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर टेक्निकली एंड एवरीथिंग इज वर्स्ट 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 एंड वर्स्ट। थोड़ा पसीना आ रहा है बिकॉज मैं पंखे वंखे बंद करके शूट कर रहा हूँ इसलिए। ऑल्सो अब इस वॉच के बारे में मैं बताता हूँ, ये भी एक बोट की वॉच है, ठीक है। अब इस वॉच को मैं इसका कोई रिव्यू व्यव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने मस्ती मस्ती में इस वॉच को मेरे टेडी बियर पे लगाया और फिर देखिए क्या हुआ। ये बोट की वॉच है, इससे मैं अपने टेडी बियर का हार्ट रेट चेक कर रहा हूँ, देखते हैं ये जिंदा है या नहीं है। ओह माय गॉड, मेरे टेडी की 81। ओहो, ये देखो, हाँ मेरे टेडी बियर की हार्ट रेट दिखा रहा है इसमें। बाबू तू जिंदा है, मुझे नहीं पता था। ओ भाई चलो अब SPO2 चेक करते हैं, ठीक है, ये हो गया चेक। भाई साहब क्या बेकार वॉच है। अब ये देखो ब्लड ऑक्सीजन चेक करता हूँ, ठीक है मैं, ठीक है। अब ये मेरे टेडी बियर का ना ब्लड ऑक्सीजन चेक हो रहा है, देखते हैं मेरे टेडी बियर का ब्लड ऑक्सीजन क्या आता है। और ये बोट की वॉच है, ठीक है, देखते हैं अभी। ओह माय गॉड, मेरे टेडी का ब्लड ऑक्सीजन 97% सॉरी SPO2 मतलब ब्लड ऑक्सीजन जो भी है। बाबू मुझे नहीं पता था तुम जिंदा हो। मतलब जो मुझे गलत लगेगा वो मैं गलत बोलूंगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं सही बोलूंगा। तो अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट में बताएगा, हम आगे और भी ट्राई करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के बिना मत जाना। सोसाइटी को साफ रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और भारत माता की जय। बाय बाय।